देखिए इकबाल भाई, कैचेस ड्रॉप तो मेरे ख्याल में हर क्रिकेटर से भी होते हुए देखे हैं और टीमों से भी होते हुए देखे हैं, बट ये है कि उनका स्टार्ट भी अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच चल रहा है, बट ये था कि जब भी मैच डीप जाता है और जब आप चेस कर रहे हो तो वो थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आता है जहाँ पे भी एक विकेट गिरती है, और देखें जहाँ पे भी उनका पहला वाला ओपनर आउट हुआ था उन पे प्रेशर ज़रूर आया। नए बैट्समैन के लिए इजी नहीं होता एकदम से आके सेम फ्लो में खेलना शुरू कर दें, और आई थिंक क्रेडिट जो है वो वन मैन शो वाला जो है वो रवि बुपारा को जाता है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। उस रवि बुपारा का तो चले एक परफॉर्मेंस है, लेकिन आज जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी शुरू में, जिस तरह बैटिंग के लिए ओपन करने आए तो नुमान नंबर को इसका बकअप कर रहे थे, अंपायरों से भी थोड़े उलझ रहे थे और जो जेल कर रहे थे टीम को, तो क्या बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे टीम को? देखिए अंपायर्स के साथ मैं उलझ नहीं रहा था और वो बाहर से आई गैस ऐसा लगता है, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो हमेशा होता है, बट यस राइट होता है कैप्टन का, जैसे अंपायर्स जो हैं वो हेड हैं गेम के, इसी तरह जो कैप्टन होता है उसका राइट होता है कि अगर कोई चीज़ जैसे लेग बिफोर की अपील थी, आप पूछ सकते हैं कि मिसिंग लेग स्टंप था या मिसिंग ऑफ स्टंप था या क्या, व्हाट वाज द रीज़न, तो ऐसा उलझने वाला कोई वो नहीं था। और दूसरा ये है कि जाहिर बात है कोशिश मेरी ये होती है कि जीत हार वो आपके हाथ में नहीं है, बट एक फाइटिंग स्पिरिट जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हर क्रिकेटर की नज़र आनी चाहिए, और वही मैं कोशिश कर रहा था और वही जो है कोशिश करता रहूँगा कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी जो है चीज़ें वो चेंज भी कर देती है। अगर आप लूजिंग साइड पे जा रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो विनिंग साइड पे उस चीज़ को ले आती है, और मैं समझता हूँ बॉडी लैंग्वेज वॉज द ओनली थिंग विच वॉज मिसिंग इन कराची टीम। थका हुआ हूँ जी, सारा जोर लगा के आया हूँ अंदर, स्माइल आएगी जब मैं जाऊँगा, शावर करूँगा, थोड़ा कुछ खाऊँगा। आई थिंक इफ़ यू लुक एट द होल स्कोर कार्ड, यू विल सी स्मॉल स्मॉल परफॉर्मेंसेज फ्राम अदर्स एज वेल, और मैं समझता हूँ आज का मैच या पिछले कुछ मैचेज ऐसे हैं जिससे क्रिकेट ऐसे लग रहा है वापस से वन मैन शो हो गई है, तो आई थिंक जब वन मैन शो वाली परफॉर्मेंसेज आती हैं तो उस इंसान को अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती है, उसको बॉलिंग में ज़्यादा मिलती है, उसको बैटिंग में ज़्यादा मिलती है, इसलिए वो सॉरी सर बट ऑब्वियसली एंड वी हैव टू टेक 11 विकेट्स, वी कांट टेक 20 विकेट्स इन वन गेम, सो इफ यू लुक एट द अदर एंगल, सो आई थिंक वट एवर ही इज डूइंग फॉर आर टीम इट्स ब्लेसिंग फॉर अस, और आई थिंक अगर कोई भी एक दो लोग अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं बाकी लोग भी तो कैच करते हैं ना उसकी बॉल पर, तो इसका मतलब है इट्स लाइक अ टीम गेम, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी आ रही हैं, और आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ यह है कि कंसिस्टेंसी है उनकी परफॉर्मेंसेज में, और आई थिंक जिस दिन हमारे दो तीन और प्लेयर्स क्लिक करेंगे तो यू कुड सी यू विल सी इंशाल्लाह वन साइडेड गेम फ्रॉम कराची किंग्स। शोएब, कुछ सवाल आए हैं ट्विटर की तरफ से, सबसे पहले खुशहाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पिछले तीनों मैचेस में भोपाला ने सबसे बड़ा हैंड प्ले किया है, कराची किंग्स के लिए दो दफ़ा नहीं जिता पाया जाता है, तो कोई वजह है कि बाकी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे भोपाला को सब कुछ करना पड़ रहा है? बुपारा सब कुछ कर रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट ये है कि हमें खुश होना चाहिए, कोई तो कर रहा है कराची किंग्स में से, कराची टीम जीत रही है, हम लोग हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं बजाय उनको अप्रिशिएट करें। आई थिंक लाइफ में अगर हम लोग अप्रिशिएट करना सीख जाए लोगों को तो अपनी लाइफ भी बेहतर हो जाती है। देखिए PSL को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो वो लोगों ने ही बनाना है, अगर वो आएंगे स्टेडियम भरेंगे तो ये PSL जो है वो होगी, और आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ आप सब लोगों का और सारे चैनल्स का, प्रिंट मीडिया का, कि जिस तरह वो PSL को प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान।